दोस्तों वेलकम टू पावर, इस समय हूं आपका दोस्त हर्षित और आज मैं आपके लेके आया हूं ऑल न्यू मारुति सुजुकी सिलेरियो। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कैसे सिलेरियो 2021 अपने कंपटीशन यानी कि मारुति वैगनार या फिर मारुति की एस्पेरेसो या फिर रेनो की क्विड, डैटसन गो या फिर टाटा की टियागो, इनसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन साबित हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये जो गाड़ी है इसको खास तौर पे इंडियन कस्टमर्स के लिए बनाया है मारुति ने। अगर आप बात करेंगे इसके इंटीरियर में स्पेशियसनेस की या फिर बात की जाए इसकी फ्यूल इकोनॉमी की, ये गाड़ी इंडिया की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी बन गई है। 26.68 KMPL का माइलेज कंपनी इसमें क्लेम कर रही है, जो कि इसको एक अलग ही लेवल में ले जा चुका है। और इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लग रही है अभी के मामले में, वो है इसका डिज़ाइन। काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेश डिज़ाइन है एक तरीके से मैं कहूँ। ऐसा लुक आपको स्विफ्ट के अंदर भी देखने को मिलता है, बट जो ये इसका साइज़ है, जो इसका कॉम्पैक्ट नेचर है, उसके साथ ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है फैमिली कार के होते हुए ऐसे देखेंगे तो। वहीं अगर आप बात करेंगे इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है यह है 4.99 लाख रुपीज़। 5 लाख से नीचे एक शोरूम प्राइस रखी गई है, और क्योंकि आज इसके साथ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हम लेके आए हैं ZXi+, इसकी एक शोरूम प्राइस है 6.44 लाख रुपीज़, जो कि 6.5 लाख रुपये से भी कम है। और इस गाड़ी में आपको पावरफुल पेट्रोल इंजन मिल रहा है, स्पेशियस इंटीरियर्स दिए गए हैं, उसी के साथ पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक मैं कहूँगा सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक है। और अगर आप बात की जाए फीचर पैक में, वहाँ पर भी पुश स्टार्ट बटन गाड़ी को थोड़ा सा प्रीमियम फील करवाता है। बाकी गाड़ी के आप डिज़ाइन को देख ही रहे। इसको टोटल 4 वेरिएंट्स में ऑफर किया गया है। पहली है इसकी LXi, दूसरी है इसकी VXi, फिर है ZXi और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसका ZXi+। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके लुक को, और आप कंपीट भी करते रहिएगा, क्योंकि हमारे पास वैगनार भी है, एस्पेरेसो भी है, या फिर अगर आप बात करें क्विड या फिर गो या फिर आप बात करें टियागो, ये सारी गाड़ियाँ शानदार है अपने सेगमेंट में। लेकिन क्योंकि ये नई लॉन्चिंग है, तो कस्टमर्स का जो अट्रैक्शन है इसकी ओर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ पर आपको एक जस्टिफिकेशन मिलेगा कि गाड़ी आपको वैल्यू कितनी दे रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसके हेडलैम्प्स को, तो मारुति ने इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए स्वैप्ट बैक डिज़ाइन दिया है, उसी के साथ यहाँ पर टर्न इंडिकेटर को प्लेस किया है, नीचे यहाँ पर हेडलैम्प्स है, और क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो आपको यहाँ पर फॉग लैम्प मिलेंगे, जिसका प्लेसमेंट ठीक है। और फ्रंट का जो लिप वाला पार्ट है, वो गाड़ी को बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है। एक आई कैची डिज़ाइन है, काफ़ी क्यूट लुकिंग डिज़ाइन इसे कहूँगा एक फैमिली कार के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं, जो कि इसके लोअर वेरिएंट में भी मिलते हैं, बट यहाँ पर भी काफ़ी शानदार लग रहे हैं। इसको कंपनी कहती है रेडिएंट क्रोम ग्रिल, जो कि अच्छा लग रहा है इसके साथ। बीच में सुजुकी का लोगो है, और नीचे लिप का पार्ट देखेंगे तो ऐसा कुछ इसका पूरा लिप है। इस गाड़ी में काफ़ी एक्सेसरीज भी लगी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारी एक्सेसरीज जेन्युइन है। तो आपको एक लेआउट भी मिल जाएगा कि अगर आप गाड़ी बाद में थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाते हैं, तो ये एक्सेसरी आप लगवा सकते हैं। गाड़ी का जो साइड का पूरा प्रोफाइल है, यहाँ पर आपको इस गाड़ी की जो एक कॉम्पैक्ट करेक्टर है वो देखने को मिलेगा। गाड़ी की जो लंबाई है वो लगभग 3.6 मीटर है, यानी कि शहरों के लिए गाड़ी बहुत ही शानदार है। और एग्जैक्टली अगर आप इसे साइड प्रोफाइल से देखेंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे जो एक यूनिक चीज़ नोटिस होगी, वो है इसका रिक्वेस्ट का बटन, जो कि अलग ही इसको प्लेसमेंट किया गया है कंपनी की तरफ से। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल जो डोर हैंडल है वो मिल रहे हैं, और जो रिक्वेस्ट बटन है ख़ास तौर पे देखिए आपको दोनों साइड मिल रहा है, उस साइड भी दिया गया है और को पैसेंजर साइड भी दिया गया है। तो यहाँ इसका प्लेसमेंट है, मुझे सही लगा इसका डिज़ाइन। और वहीं अगर आप ORVM की बात करें, तो ORVM भी काफ़ी स्लीक लुकिंग है, और इसमें आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए जो कि इंटीग्रेटेड है, और जो ग्लास का डिज़ाइन है वो भी गाड़ी की बॉडी के हिसाब से ठीक ऑफर किया गया है। एक चीज़ आप और देखेंगे कि जो इसके विंडशील्ड का एरिया है वो भी काफ़ी सफिशिएंट है, और अंदर से जो इसका बोनेट का पार्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल होता है, यानी कि अगर आप इस गाड़ी को ट्रैफिक में चलाते हैं तो काफ़ी इजीली चला सकते हैं इसमें। क्योंकि देखिए आपको कोई भी रूफ रेल नहीं मिलती है, या फिर ऐसा कोई भी एक जो स्पोर्टी करेक्टर है वो नहीं मिलता है, तो स्लीक बनी रहती है इसकी पूरी बॉडी प्रोफाइल। यहाँ पर आपको कुछ रेन वाइजर दिए गए, और अब हम आ गए इसकी रियर की प्रोफाइल की ओर। रियर में आपको इसमें जो नए एलिमेंट्स मिलते हैं वो कुछ आपको देखने को मिलेंगे। एक जो रिक्वेस्ट बटन है वो यहाँ प्लेस किया गया है, और उसी के साथ ये जो आप पैनल देख रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं बलिनो की याद दिलाएगा, थोड़ा आपको बलिनो वाला करेक्टर मिलता है। जो अगली USP इस गाड़ी की है वो है इसका बूट स्पेस। इस गाड़ी में आपको 313 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि इस साइज़ के सेगमेंट में थोड़ा सा रेयर है, और ये काफ़ी यूज़फुल भी है। आप देखेंगे काफ़ी बड़ा बूट स्पेस दिया गया है आपको इसमें, 313 लीटर्स का बूट स्पेस है, और ईजिली आप इसमें अपना लगेज ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप इसमें CNG इंस्टॉल करवाते हैं
तो आपका इसमें सीएनजी का टैंक काफ़ी इजीली लेआउट हो जाएगा। उसी के साथ जो बची हुई स्पेस है वहाँ पर आप अपना सामान ले जा सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो लेआउट कुछ ऐसा दिया गया है। ये इसका एक्सेसरी का पार्ट शायद आप इसमें देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी, मैं इसमें 70 मैट देख रहा हूँ। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील को इन्होंने प्लेस किया है। जो स्पेयर व्हील आपको मिलेगा ये ब्रिजस्टोन का ऑफर किया गया है। और इसका साइज़ इसमें देखने को मिल रहा है 165/70 रेडियल 14 का टायर है। और जो मेन जो टायर्स है वो आपको योकोहामा के मिलते हैं। तो ये है इसका सारा का सारा लेआउट। जो आपको सेकंड रो के सीट्स है ये भी आपको 40/60 स्प्लिटिंग के साथ मिलती है। ऐसे कुछ इसका पूरा प्रोफाइल आती है। फ्यूल टैंक का प्लेसमेंट इसमें लेफ्ट साइड किया गया है। और यहाँ पर भी देखेंगे थोड़ा सा एक प्रीमियम टच देने के लिए कुछ यहाँ पर आपको फैब्रिक दिया गया है, जिससे कि आपके जो भी आर्टिकल बूट में होगा वो डैमेज ना हो। और यहाँ पर आपको वॉशर आपको मिल जाता है, वाइपर, वॉशर और उसके साथ डीफॉगर, सब को जो नेसेसरी के सारे फीचर है वो मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको रियर कैमरा नहीं मिलता है, तो एक्सेसरी में अगर आप चाहें तो मारुति से लगवा सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने कल बनाई थी, 4500 रुपीज़ के आसपास इसकी MRP है, जो कि जेन्युइन एक्सेसरी है। टेल लैम्प्स की बात करें तो स्वेप्ट डिज़ाइन है टेल लैम्प का, जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लगता है लुक। और यहाँ पर आप देखेंगे बॉडी में कुछ क्रीजेज़ है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको क्रोम के डिटेलिंग वर्क मिलता है। और साइड में ऐसा कोई ज़्यादा क्लैडिंग वाला पार्ट नहीं है। एक जो बट फ्लैप का प्लेसमेंट है ये भी आपको एक्सेसरी में प्रोवाइड किया जाएगा। ऊपर आपको कोई भी इसमें स्पॉइलर मेंशन नहीं है। तो डिज़ाइन काफ़ी सिंपल और काफ़ी सटल है, एक तरीके से जो यूरोपियन कार्स होती है वैसा ही कुछ डिज़ाइन इसमें मिल पाएगा आपको। पहले आपके पास A-Star आती थी, A-Star का डिज़ाइन भी कुछ ऐसा ही था। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है, यहाँ पर आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स है जो कि बेस मॉडल से आपको मिलते हैं। और नीचे अगर आप देखें इसके तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से नीटली इन्होंने पेंट भी किया है नीचे जो आपकी बूट है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है यह है 165 mm का, तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का। तो ये आपने कुछ देखा, मैंने बताया कि जो इसकी बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस है ये है 4.99 लाख रुपीज़। और अगर आप जाते हैं इस वाले वेरिएंट में जो कि है ZXi प्लस, इसकी प्राइस है 6.44 लाख रुपीज़। और इसी में अगर आप ऑटोमेटिक ले लेते हैं तो 6.94 लाख रुपीज़ हो जाएगा, लगभग 50,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ हम सब कुछ जान चुके हैं। एक नज़र आप इसके अलॉयज़ पर भी डाल लीजिए, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके साथ। और योकोहामा के टायर अभी इसमें आपको मिल रहे हैं, योकोहामा के टायर हैं। साइज़ की बात करें तो 175/60 सेक्शन रेडियल 15 का टायर है। और जो स्पेयर है ये 14 इंचेस का है। तो ये अलॉयज़ है पूरे, डिज़ाइन काफ़ी शानदार है। फ्रंट में आपको इसमें वेंटिलेटेड डिस्क मिलती है और पीछे आपको इसमें नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। और अब बात करते हैं कि मारुति इंडिया ने इसमें सेफ्टी में कितना काम किया है। तो आपकी जो नई सिलेरियो है इसमें जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है बिल्कुल ऑल न्यू है। ये सेम प्लेटफॉर्म है जो कि आपको स्विफ्ट में ऑफर किया गया है, या फिर डिज़ायर में मिलता है, या फिर आपको इग्निस के अंदर दिया गया है। ये है इसका हार्टटेक प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के आने से जो आपकी सिलेरियो है उसका जो स्ट्रक्चरल एक इंटीग्रिटी है या फिर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बेहतर हो गई है, ऐसा मारुति का कहना है। इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है ज़्यादा हाई ग्रेड स्टील है, तो वहाँ पर इस गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी अगर ग्लोबल एनकैप में इसका टेस्ट होता है। लेकिन वो सिर्फ जब टेस्ट होगा हमें तभी पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो मारुति का ऑफिशियल, एक तरीके से मैं कहूँ जो उनका क्लेम है, उनका कहना यही है कि उन्होंने इसमें सारे वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनका फुलफ़िल किया है, तो हमें एक अच्छे रिजल्ट मिले वही हमारी एक्सपेक्टेशन है मारुति से। बाकी डिज़ाइन में मारुति ने काफ़ी शानदार काम किया है। इंटीरियर में भी अभी आपने एक झलक देखी कि काफ़ी अच्छी तरीके से एक स्पेशियस इंटीरियर बनाए गए हैं। और इंजन की भी बात करेंगे तो इंजन में भी जो मारुति के इंजन्स रहते हैं वो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एक तरीके से रिफाइंड और एक रिलायबल रहते हैं। और अब ये उतना ज़्यादा रिलायबल मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही इंजन है जो कि आपको पहले मारुति की ऑल्टो में मिलता था। ये इंजन जो K10 सीरीज़ है अब ये इसकी ऑल न्यू जनरेशन के साथ आ गया है, एक तरीके से ये इसकी थर्ड जनरेशन है। इसका नाम भी K10 C सीरीज़ इंजन रखा गया है। इस इंजन में काफ़ी कुछ नया है, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने खोला तो अगर आप देखिए फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा देखते हैं कि मटेरियल कैसा यूज़ किया गया है। तो जब आप इसका बॉनेट भी ओपन करेंगे तो आपको एक वेट फील होगा, जिससे आपको लगेगा यार थोड़ा अच्छा मटेरियल यूज़ ज़रूर किया है कंपनी ने। और जो स्ट्रेंथ है शीट मेटल की भी वो अच्छी लगेगी। आप पर्सनली इसको एक्सपीरियंस कीजिए और ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि अब काफ़ी सही क्वालिटी ऑफ मटेरियल मुझे इसमें अभी फील हुआ, तो वो मैंने आपको ज़रूर बताना चाहा। और देखिए अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया यहाँ भी। और अगर हम इसको यहाँ प्लेस करते हैं तो ये यहाँ होल्ड हो जाता है। और ये जो आप इसका पूरा लेआउट देख रहे हैं अभी इंजन बे का, वो काफ़ी नीट रखा गया है। ऊपर भी देखेंगे तो काफ़ी
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दिए गए, जिससे जो इसका बोनेट का पार्ट है वो भी स्ट्रेंथ बनाए रहे अपनी, और जो सारे आपको चैसी के मेंबर्स हैं उसमें भी जो प्रॉपर सीलेंट है वो यूज़ किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं सारा। मुझे काफ़ी नीट लेआउट लगा, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और बैटरी का प्लेसमेंट उसकी यूजुअल जगह में किया गया है, ABS का मॉड्यूल बैटरी के पीछे रखा गया है, वहाँ आप देख रहे हैं कुछ स्टीयरिंग रैक को। और ये है इसका गेयर बॉक्स, जो कि है इसका 5-speed का गेयर बॉक्स। ये 5-speed AMT के साथ भी आती है, जिसको ऑटो गेयर शिफ्ट कहती है मारुति। और ये रहा इसका इस फेमस K10C सीरीज़ का पेट्रोल इंजन। ये 3-cylinder का पेट्रोल इंजन है, ये लगभग 69 हॉर्स पावर अभी बना रहा है और 89 न्यूटन मीटर के आसपास ये मैक्सिमम टॉर्क देता है। इसकी जो अभी सबसे बड़ी USP हमारे सामने आ रही है वो है इसका माइलेज। 26.68 KMPL का माइलेज देने वाला है, बहुत ही शानदार माइलेज है। और इसकी खास बात और हो गई है कि ये ऑटोमेटिक में ज़्यादा माइलेज दे रहा है मैनुअल के मुकाबले, तो वो भी अच्छा है। एयर फिल्टर का प्लेसमेंट यहाँ है, थ्रॉटल बॉडी इन्होंने यहाँ प्लेस की है। अब इस इंजन में आपको क्या क्या नया मिलता है वो देख लेते हैं। इसमें देखिए, पहले आपको डुअल VVT मिलता है, यानी कि इनटेक कैम और एग्जॉस्ट कैम दोनों में आपको वेरिएबल वेल टाइमिंग के हाइड्रोलिक का जो आपकी एक तरीके से मैं कहूँगा जो कंपोनेंट रहता है VVT कंपोनेंट वो है, जिससे जो आपको बेहतर लो एंड टॉर्क मिले और जो हाई एंड का टॉर्क है वो भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिले और माइलेज भी अच्छी हो जाए। और उसी के साथ जो इसका इंजेक्टर है, इसमें आपको डुअल जेट इंजेक्टर दिए हैं, यानी कि 3 सिलेंडर है, तो हर एक सिलेंडर में एक इंजेक्टर ना होते हुए 2 इंजेक्टर दिए गए, तो टोटल 6 इंजेक्टर दिए गए इस 3 सिलेंडर के इंजन में, जिससे जो फ्यूल है वो ज़्यादा प्रिसाइजली और ज़्यादा एक्यूरेटली स्प्रे किया जाता है और ज़्यादा बढ़िया फ्यूल माइलेज मिल पाती है। और यहाँ देखेंगे तो जो इसका एग्जॉस्ट का पूरा सिस्टम है, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इसको अब इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, यानी कि तीनों सिलेंडर का जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो सेम एक ही चैनल पर लाई जा रही है और सीधे जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उससे क्या होता है, जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर है ये ज़्यादा जल्दी अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर में आता है, लगभग 300 डिग्री के आसपास आ जाता है बहुत जल्दी। और उससे क्या होता है कि फिर एयर फ्यूल का जो रेशियो है वो इंजन बहुत ही आसानी से बनाने लग जाता है, तो माइलेज में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। यहाँ पर जो इसका एयर फ्यूल रेशियो सेंसर है यहाँ प्लेस किया गया है, और जो ऑक्सीजन सेंसर है वो नीचे प्लेस किया गया, आप देख सकते हैं। ये इसका AC का कंप्रेसर, यहाँ से ये एयर सक करता है, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है लेकिन तब भी हाइट काफ़ी सही है। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया, रिफाइनमेंट भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। एक मैं इसका जो अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो एस्प्रेसो में मैंने इसको ड्राइव किया था, बहुत ही बढ़िया इसकी ड्राइविंग मुझे लगी थी। इसकी भी ड्राइव जो एक्सटेंडेड ड्राइव है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, बस थोड़ा सा वेट आप और कीजिए। तो इसको बंद करते हैं। बॉनेट का जो वेट है ना वो काफ़ी सही दिया गया है, यहाँ पर इसका सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को प्लेस किया गया है, EVAP कनिस्टर यहाँ प्लेस किया गया है इसका, और स्टड्स आप पूरा पार्ट वहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर बाकी सारा का सारा जो क्लियरेंस है वो आपको विजिबल होगा कि सारा रेडिएटर और जो कंडेंसर है उसके लिए सही सही गैप रखा है। इंजन में तो मारुति से कोई शिकायत कोई कर ही नहीं सकता है, बाकी देख लीजिए सब कुछ नीट एंड क्लीन है। और थोड़ा अगर आप यहाँ से भी देखें तो ऐसा कुछ इसका पूरा व्यू आता है। तो ये हमने जाना सिलेरियो के एक्सटीरियर में आपको क्या क्या बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। देखिए, शिकायत वाली चीज़ मुझे इसमें एक भी नहीं दिखी। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का 165 mm है, बूट स्पेस भी काफ़ी सही है, इंजन का जो पूरा डिपार्टमेंट है वहाँ भी बहुत ही एक तरीके से मैं बढ़िया काम किया गया, कोई मैसअप नहीं किया गया, कोई क्लैटर नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा गया है। फ्रंट का लुक भी काफ़ी शानदार है। पैनल गैप्स की बात करूँ तो वो भी मुझे इसमें यूनिफॉर्म देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर भी अनइवन पैनल गैप या ऐसा लो क्वालिटी वाला फील आपको नहीं आएगा। वही मैंने बात करी कि इसमें हार्डटेक प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है, तो जो शीट मेटल है वो भी आपको अच्छी फील होगी, आप पर्सनली इसको फील करेंगे तब आप मानेंगे। और सारे अगर आप वॉशर वाइपर की बात करें तो वो भी मुझे अच्छी क्वालिटी लग रही है। यहाँ भी देखिए प्रॉपर सीमलेस डिज़ाइन है, मतलब काम बढ़िया किया गया है इसमें। अब चलिए देखते हैं इंटीरियर में क्या क्या आपको मारुति ऑफर कर रही है, क्या सरप्राइजेज है आपके लिए। और एक चीज़ आप और देखिए, जो इसका बी पिलर वाला पार्ट है उसमें ब्लैक टेपिंग का यूज़ किया गया है, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लुक आ रहा है इस गाड़ी को। आइए अब देखते हैं इसके इंटीरियर में, और इंटीरियर में आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ही एक स्पेशियस इंटीरियर मुझे देखने को मिले थे। और जो स्क्रप्टेड डिज़ाइन है, एक तरीके से मैं कहूँगा मल्टी लेयर डिज़ाइन है, देखिए ऐसा ही मैंने इससे पहले एस्प्रेसो में भी देखा था, वैगनार में भी हल्का फुल्का ऐसा ही डिज़ाइन मिलता है। तो जिससे फ़ायदा क्या होता है कि इंटीरियर बहुत ही खुला खुला आपको फील होता है। और आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, जो इसमें ये वाले जो थोड़े स्पोर्टी एक्सेंट्स है, ये सारा पार्ट ना किट का पार्ट है, जो कि मारुति की जेन्युइन एक्सेसरी है, वो आप अपने एंड पे लगवा सकते हैं। बट गाड़ी अगर आप स्टॉक की भी बात करें
तो सब कुछ आपको दे रही है। 7 inches का आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ ऑफर किया गया है, यानी कि फीचर तो भर भर के आपको मिल रहा है इस गाड़ी में। और मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ है, और इसके साथ कुछ आपको ये क्रोम का बेजल मिलती है जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा टच बढ़ता है। माइलेज को बढ़ाने के लिए कंपनी ने थोड़ा और ध्यान दिया है, तो जब आपकी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी रहती है या फिर कभी भी आइडल पोजिशन में होती है, तब आपको ये बटन अगर आपने ऑन किया हुआ है तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन को बंद कर देगी। इसको ये आइडल स्टार्ट स्टॉप कहते हैं, और जैसे ही आप क्लच दोबारा दबाएंगे तो आपकी गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप मिरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। ऑटो फोल्ड और ये सारे फंक्शन है इसमें, जो कि काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी कन्वीनियंट फीचर रहते हैं एज अ फैमिली कार। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल इसमें 4 स्पीकर मिलते हैं गाड़ी में, और साउंड क्वालिटी वैसी ही आपको मिलेगी जैसे आपको वैगनार लेवल में मिलती है। और ये है इसके बॉटल के लिए स्पेस, कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेस यहाँ पर है, ग्रैब हैंडल ये दिया गया है, और यहाँ पर आपको सारा जो मटेरियल है ये हार्ड टच मटेरियल है, और क्वालिटी ठीक है इसकी। देखिए कहीं पर भी आपको कोई अनइवन गैप या फिर ऐसा कोई लो क्वालिटी प्लास्टिक का यूज़ नहीं मिलेगा। मतलब ये गाड़ी ऐसी है कि जो लगभग अपनी पूरी लाइफ 10 से 15 साल आसानी से निकाल सकती है। जो आपको सीट्स मिलती है ये भी आपको हाइट एडजस्टिंग फंक्शन के साथ मिलती है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में इसको मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं तो ये गाड़ी सबके हिसाब से चल जाएगी। अगर किसी की हाइट कम है या फिर किसी की ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है और इसको चला सकता है। जो स्टीयरिंग आपको मिलेगा ये भी टिल्ट फंक्शन के साथ मिलता है, तो ये भी देखिए एज अ फैमिली कार यही सारे फीचर्स होते हैं जो कि हम गाड़ी में देखते हैं कि मैं भी चला लूँ दूसरा भी चला ले सबके काम आ जाए गाड़ी। और यहाँ देखेंगे तो जो फुटवेल वाला पार्ट है, एक आपको डेड पेडल मिलेगा, ये है इसका क्लच, और ये है इसका ब्रेक और एक्सीलेटर, जो कि बेसिक सारे वही कंपोनेंट्स हैं। और जो यहाँ पर लेआउट है ये भी नीट रखा गया है, कोई भी एक्सपोज्ड वायर नहीं है जो बाद में हिलता हिलाते नीचे आ जाए, सब कुछ नीट है। यहाँ पर आप हेडलैम्प्स के लेवल को देखें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारा पार्ट हमने देखा। एक ये जो पार्ट है ये इसका एक्सेसरी का पार्ट है जो कि आप लगवा सकते हैं। सिलेरियो की बैजिंग मिलेगी आपको थोड़े से रेड एक्सेंट्स के साथ, थोड़ा स्पोर्टी आपको फील करवाएगी। ये सीट मैंने अभी पूरी पीछे की हुई है, तो इतना कुछ इसमें स्पेस बनता है, स्पेस बहुत है गाड़ी में। छोटा बैग बड़ा धमाल आप इसे कह सकते हैं ज़रूर। बाय द वे, नई कार खरीदने के वक्त फीचर्स और फंक्शंस के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप गाड़ी कितने स्मार्टली खरीद रहे हो और कहाँ कहाँ क्या आप सेव कर सकते हो। और मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस के बारे में, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपने बेनिफिट्स को इंक्रीज करना। एको इंश्योरेंस एक डिजिटल एज का ब्रांड है जो अपने बायर्स में अपने बेनिफिट्स और सेविंग की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है। एको के साथ आप एक नई गाड़ी पे 50,000 रुपए तक की बचत कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से आपको कवरेज कम मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है, आपको कम दाम में बेहतर कवरेज मिलेगी। और अगर बात क्लेम्स की आती है तो एको देता है 3-day कार रिपेयर पॉलिसी, जहां आपको बस क्लेम फॉर्म डालना है एको ऐप पे, और उसके बाद कोई फॉलो अप कोई कॉल करने की जरूरत नहीं, सब अपडेट्स आपको ऐप पे ही मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब आप अपना क्लेम सेटल करवा सकते हो 3 दिन में, वो भी बिना किसी हैसल के और वो भी कैशलेस। तो कार खरीदने से पहले डाउनलोड कीजिए एको ऐप अपने ऐप स्टोर से, या आप विजिट कीजिए www.eco.com, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी नई मारुति सुजुकी सिलेरियो के बारे में, जिसमें भी आपको सब कुछ मिल रहा है वो भी कम बजट के साथ। और अगर आप अंदर आते हैं इसके, तो यहाँ पे सबसे जो मैंने अभी कैमरा है इसको अपनी आई के लेवल पे रखा हुआ है, तो आपको जो बोनट का सारा व्यू है वो विजिबल होगा, यानी कि अगर आप इस गाड़ी को शहरों में भी चलाते हैं तो ईजिली चला सकते हैं। नीचे अगर देखते हैं तो जो सारा स्पीडोमीटर है उसको स्पीड वाले ज़्यादा इसमें कॉन्शियस रखा गया है, और जो टैकोमीटर है वो आपको थोड़ा सा छोटा दिया गया है, जो कि ZXI से मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। स्टीयरिंग की बात करें तो सर्कुलर आपको स्टीयरिंग इसमें ऑफर किया गया है, जिसमें कुछ ऐसे सिल्वर एक्सेंट्स है। टेलीमेट्रिक के सारे कंट्रोल है, जिसमें आप अपने फ़ोन को उठा सकते हैं, वॉइस कमांड यहाँ से दे सकते हैं, और यहाँ पर से आप सारे वॉल्यूम कंट्रोल कर लीजिए, मोड या फिर सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। म्यूट का बटन ये है, और ये है इसका डमी का बटन, और बाकी ऐसा सच कुछ नहीं है। कुछ यहाँ पर डमी बटन्स है जिसमें आप बाद में ऐसा CNG लगवा लीजिए या फिर कोई और एक्सेसरी के लिए स्विच यहाँ पे लगा सकते हैं। सर्कुलर कुछ ऐसे यहाँ आपको ये दिए गए हैं AC vent, जिसके अंदर देखिए हेक्सागनल कुछ डिटेलिंग की गई है मारुति की तरफ से। चलिए डोर को बंद करते हैं, और गाड़ी अंदर से बहुत ही स्पेशियस आपको फील होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉर्नर से अगर आप आते हैं इसके, कुछ टेक्सचर आपको ज़रूर फील होगा, और विंडशील्ड का एरिया भी प्रॉपर है। और मेरा हेडरूम देखेंगे तो इतना मेरा कुछ इसमें हेडरूम मिल पा रहा है, हेडरूम की गाड़ी में कोई कमी नहीं है। शोल्डर रूम भी देखेंगे तो शोल्डर रूम भी सफिशिएंट है, तो एज अ फैमिली कार परफेक्ट है। मैंने सीट अभी पूरी पीछे की हुई, आपको थोड़ा माइंड करना होगा,
और यहाँ पर देखेंगे तो कोई वैनिटी मिरर नहीं है और इस साइड आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। रीडिंग लैंप्स का प्लेसमेंट ऐसा किया गया है और गाड़ी में हेडरूम काफ़ी है। देखिए हेडरूम अच्छा दिया गया है इसमें और यहाँ देखेंगे तो मैनुअल IRVM ऑफर किया गया है और सारे फंक्शंस हो गए। ये आपको कुछ ट्रेपेज़ॉइडल डिज़ाइन में, थोड़ा सा स्लांटेड डिज़ाइन में AC वेंट है। गाड़ी में सेफ्टी के नाम पर 2 एयरबैग मिलते हैं, ABS, EBD और उसके साथ ब्रेक असिस्ट मिलता है। ये इसके स्टैंडर्ड फीचर्स में से एक है, लेकिन अगर आप VXI वेरिएंट ले लेते हैं तो आपको इसमें हिल होल्ड का भी फंक्शन मिलता है, यानी कि अगर आप पहाड़ में गाड़ी ऊपर को चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलेगा और इसके भी ऑटोमेटिक में मिल जाएगा और ZXI के भी ऑटोमेटिक में मिल जाएगा। उसमें अगर आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक में ही मिलेगा केवल, तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, सिर्फ आगे ही जाएगी, जो कि मोस्टली सारे ऑटोमेटिक्स में मिल जाता है। और बेस वेरिएंट से ही आपको इसमें मैनुअल जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो मिलेगा, यहाँ पर भी मैनुअल ही है। कुछ आपको सिल्वर क्रोम के सारे एक्सेंट्स ऑफर किए गए हैं, यहाँ से आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। AC फुल स्पीड में करने में भी ज़्यादा शोरगुल नहीं करता है, साइलेंट ही रहता है। और यहाँ से आप इसका रिसर्कुलेशन और ये वाला पार्ट कर सकते हैं। USB और ऑक्स को यहाँ प्लेस किया काफ़ी नीटली और यहाँ देखेंगे तो एक्सेसरी का सॉकेट है, क्योंकि ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, यहाँ पर बॉटल्स के लिए थोड़ा स्पेस है। अब नज़र डालिए इसकी की फॉब के ऊपर। की जो इसमें की फॉब दी गई है, दोनों आपको सेंट्रल लॉकिंग के साथ मिलती है और कुछ ऐसा ही डिज़ाइन है जैसे आपने बलिनो में भी देखा था। काफ़ी स्लीक और काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, कहीं पर भी आपको कॉस्ट कटिंग फील नहीं होगी। कुछ आपको इसमें ब्लू एक्सेंट्स है और यहाँ पर देखेंगे सुजुकी के लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ स्टील वर्क है। और ये लॉक और ये अनलॉक का फंक्शन आपको यहाँ ऑफर किया गया है, तो दो आपको मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोव बॉक्स की भी नज़र डालेंगे तो ग्लोव बॉक्स भी काफ़ी स्पेशियस आपको फील होगा, जो कि ऐसा कुछ है। और ये कुछ और थोड़ा डिटेलिंग देखेंगे तो जैसे आपको टाटा नेक्सॉन और ऐसी जो प्रीमियम गाड़ियाँ हैं उनमें थोड़ा कुछ और ज़्यादा एक डिटेलिंग वर्क मिलती है, वैसा ही कुछ एलिमेंट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो कि इस किट के साथ इसमें मैशअप किया गया है, तो ये अच्छी बात है। और रियर का अगर आप सारा प्रोफाइल देखेंगे तो रियर का सारा व्यू ऐसा कुछ है। अब बात करते हैं एक और जो मारुति ने इसमें स्मार्ट काम किया है, जिससे जो इसकी प्राइसिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो पाई है, तो वो है इसके पावर विंडोज़ का प्लेसमेंट, पावर विंडो के स्विचेस का प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर आपने डोर पैनल नोटिस किया होगा, तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी, मैं कहता हूँ कि स्विच नहीं मिलेगा पावर विंडो का। ऐसा ही आपने सेंट्रो में भी देखा था, जो हुंडई की सेंट्रो है, और वो गाड़ी भी इसका बहुत बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ बहुत स्पेशियस और इंजन भी शानदार है, ऑटोमेटिक भी मिल जाता है उनमें। तो देखिए यहाँ से तो आप चाहे तो आप पावर विंडोज़ को कंट्रोल कर लेंगे, वन टच डाउन का फंक्शन देती है केवल ये, और ऊपर के लिए आपको रेगुलर दबाना पड़ेगा और ये नॉर्मल है कंटिन्यूसली प्रेस करके। और ये चाइल्ड लॉक दिया गया पावर विंडो के लिए और ये पावर विंडो के सारे ये आपके सेंट्रल लॉकिंग के लॉक्स है। नीचे अगर आप यहाँ आते हैं तो ये जो स्विचेज है यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको ड्राइवर भी यूज़ कर सकता है और जो पीछे पैसेंजर बैठे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सबका फ़ायदा। और यहाँ देखा था तो ये है इसकी 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि इससे पहले मारुति की आपने काफ़ी गाड़ियों में देखी हुई है। इसमें कोई ऐसा कोई अभी नया फीचर तो ऐड ऑन नहीं किया गया, लेकिन यूज़फुल काफ़ी फीचर्स है इसमें। और ये इसका होम वाला सिस्टम है, मतलब इसमें एंड्रॉयड ऑटो और जो आपका एप्पल कारप्ले है वो सब कुछ काम कर लेता है। आप फ़ोन को इसमें कनेक्ट करिए डाटा केबल के थ्रू और आप अपने फ़ोन को यहाँ पर मिरर भी कर सकते हैं, तो यूज़फुल सारे फीचर है आपको स्टीरियो इसमें ऑफर किया ही गया है। तो आप चलते हैं इसकी रियर सीट की ओर और वहाँ जानते हैं कि वहाँ क्या इसमें स्पेशियस आपको फील होता है। ओके, अगर आप इसके रियर सीट की ओर नज़र डालेंगे तो जो रियर सीट है यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आप यूटिलिटी फील होगी वो है इसका 40-60 स्प्लिट का ऑप्शन आपको ऑफर करना। ये वाली सीट मैंने बहुत ज़्यादा पीछे की हुई थी, ये मैं उतनी करता हूँ जितनी प्रैक्टिकल है और जितनी आप ड्राइविंग करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अभी जो ड्राइविंग वाला सेंस है वहाँ पर कर ली है और अभी यहाँ पर इतना कुछ इसमें स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है। उसी के साथ अगर आप डोर पैनल में देखें तो डोर में थोड़ा सा एक स्लांट, आप थोड़ा स्टाइलिश लुक जो आप देख रहे थे गाड़ी का वो ऐसे ही बन पाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो कैम्बर है वो फील होगा डोर का जो पैनल है उसमें, और डोर पैनल्स को काफ़ी स्लीक रखा गया है, क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को 20 में ही शिफ्ट किया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो स्टॉक है गाड़ी वो वाले सीट कवर नहीं लगे, ये एक्सेसरी वाले, तो इसको अभी हटा तो नहीं सकते, बट जो इसके नीचे वाला आपको पार्ट मिलता है उसकी वीडियो में मैं आपके लिए ले आऊँगा, वो भी अच्छी कुशनिंग देता है, लेकिन ये एक्सेसरी है। लगभग 7,000 के आसपास इसकी प्राइस है,
तो इसकी कुशनिंग भी अच्छी फील हो रही है। आपको सारे इंटीग्रेटेड हेड रेस्टैंड्स इसमें ऑफर किए गए हैं, कोई भी आर्मरेस्ट आपको फील नहीं होगा इसमें। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है सीट्स को फुल फ्लैट कर देने का, वो आपकी फैमिली के हिसाब से भी अच्छा यूज़ होगा, और अगर आप इसमें ज़्यादा सामान कैरी करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर पाएंगे। यहाँ देखेंगे तो ये है अपना हेडरूम, आगे ज़्यादा बढ़िया आपको स्पेशियस फील होगा, पीछे आपको ऐसा लगेगा कि आपको ट्रैवल करना है तो ठीक है, लेकिन आगे बहुत बढ़िया स्पेस है क्योंकि आगे डैशबोर्ड भी काफ़ी खुला खुला है और सीटों का जो लेआउट है वो भी शानदार है। पीछे मैं देखूँ तो मेरी हाइट 6 फीट की है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हेड में भी अच्छा खासा क्लियरेंस है, 2-4 इंच का यहाँ पर क्लियरेंस मैं फील कर पा रहा हूँ। और पीछे अगर आप 2 से लेकर 3 लोग बैठते हैं तो यहाँ पर फैमिली ट्रैवल कर सकती है, जो कि एक मैं कहूँ तो 2 लोग ज़्यादा खुल के जाएंगे, 3 लोग ट्रैवल कर सकते हैं इसमें। फैमिली कार जैसे मैंने कहा अपना पर्पस ये पूरा करने वाली है। ये कुछ इसमें टनल दी गई है, ऐसी कुछ इसकी पूरी टनल आपको मिलती है, और ये पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स मैंने आपको बताए तो ऐसे कुछ दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक मैं कहूँ कि कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी चाहिए, फीचर इस गाड़ी चाहिए, तो और आप कन्फ्यूज़ थे या तो सेंट्रो ले लूँ या वैगनार ले लूँ या फिर आपकी एस्पेरेसो ले लूँ, तो ये गाड़ी की अभी वेटिंग भी काफ़ी कम है, तो आप इसमें अगर लेते हैं तो आप इसमें ऐसे मैं तो कहूँ कि अनसेटिस्फाई तो नहीं होंगे, क्योंकि देखिए रिलायबल इंजन मिलता है इस गाड़ी के साथ, स्पेशियस इंटीरियर्स मिलते हैं, और उसी के साथ ये गाड़ी का जो लुक है ना बहुत ही ज़्यादा एक क्यूट लुकिंग लुक है। इससे पहले सिलेरियो 2014 में लॉन्च हुई थी और उसके बाद करीब 2020 तक ये करीब 6 लाख गाड़ियाँ बिक गई है। 6 लाख गाड़ियाँ एक सिंगल लाइनअप से बिकना उसकी सक्सेस दिखाता है, तो वो मुझे इसमें भी देखने को मिलेगा। अभी एट द मोमेंट थोड़ा सा जो गाड़ियों की बुकिंग है उससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो वहाँ पर जो नए लॉन्चेस हैं वो उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं कि उनको इसमें जो बुकिंग का जो पाइलअप है वो उतना नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर आप मारुति की किसी भी गाड़ी के बारे में डिटेल में और जानना चाहते हैं या फिर उसको पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसकी बुकिंग करवाना चाहते हैं या फिर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, और आप उत्तराखंड से हैं या फिर उत्तराखंड के नियर बाई है, तो आप आ सकते हैं नैनीताल मोटर्स हल्द्वानी में। ये मारुति का वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आप उत्तराखंड में है तो। तो आज की वीडियो के लिए काफ़ी है, मैंने सारी डिटेल्स आपको शोकेस की हुई है। आप मुझे बताइए कि आपको जो आपकी नई सिलेरियो है वो कैसी लगी, और अगर आपने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस कर लिया है, क्योंकि ये गाड़ी को आज ही लॉन्च किया है हमारे शोरूम में जो कि हमारा नैनीताल मोटर्स रामपुर रोड हल्द्वानी में सिचुएटेड है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए। बाकी इसकी और भी जो लाइनअप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल पाए ऐसी वीडियो सबसे पहले और आप नई से नई गाड़ी के बारे में सबसे पहले जान पाए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।